बालाजी वाले के पास उतर गए हैं। वहाँ सुल्तानगंज से इतना दूर गांधी मैदान, वहाँ पे उतरने के बाद बेली रोड का ऑटो जो मिलता है बेली रोड के लिए, तो बेली रोड का ऑटो करके सचिवालय हम लोग उतर गए हैं। इको पार्क यहीं पे है। हाँ, तो अब हम लोग पैदल चल रहे हैं। ये देखिए मेरा नेल पेंट लगाई है, चमकती हुई। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। थैंक यू मम्मा। मम्मा मेरे लिए कितना सारा कुछ करती है, पता है गाइस, मेरे मम्मा बचपन से सब कुछ करते हैं। बचपन से इतना जगह घुमाई है, सेलेक्ट सिटी मॉल। तो अब यहाँ से कैसे जाना है, ऑटो पूछती हूँ। इको पार्क जाने के लिए, इको पार्क जाने के लिए ऑटो मिलेगा कि पैदल ही जाना पड़ेगा, यहाँ सचिवालय से मैं पता करती हूँ। तो पैदल जी, ये क्या हुआ, वापस स्टैचू बनाना है किसका। तो पैदल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सचिवालय उतरने के बाद। रुको बेटा, गाड़ी आ रही। तो पैदल ही हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ओह नो, तो कौन है? दारोगा प्रसाद रॉय, उनकी ये है, उनका मूर्ति है, उनका बनाया हुआ। और ये भैया, ये इको पार्क के लिए किधर से आ बेटा? भाई साहब ने बोला यहीं पे सामने से गेट है। आप जब 3 साल की थी तो आप तो आई थी मेरे साथ और नानी के साथ में, तो मुझे भी अब टाइम हो गया है, इतना साल हो गया, कोरोना आ गया, तो फिर कहाँ हम लोग आए इधर। डर लगता है कि कहीं कोई मोबाइल ना स्नैच करके कोई चला जाए, मैं क्या करूँगी। इसीलिए रोड पे मैं या ऑटो रिक्शा में या ऐसे ब्लॉग नहीं बनाती हूँ ओपन में, क्योंकि पटना में ना यहाँ मोबाइल स्नैचर बहुत है। देखो आ गया आपका इको पार्क, आ गया आपका, दिख रहा है ना? हाँ। सारा वो स्लाइडर झूला सब कुछ दिख रहा है। वाह माशाल्लाह। चलिए हम लोग आगे चलते, चलो। ट्रैम्पोलिन भी होगा है ना, सब कुछ है यहाँ। चलिए अब आप मजे करना, चलो। आप ही की खुशी के लिए तो आई हूँ। खूब मजा आएगा। सारे बच्चे झूला झूल रहे हैं, बच्चों के साथ माँ बाप भी झूल रहे हैं, मम्मी पापा। पहले मैं ट्रैम्पोलिन में जाऊंगी, मेरा ट्रैम्पोलिन इज आई फेवर। चलिए जल्दी चलते हैं। मम्मा मम्मा वो भी खाती है जो 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 बॉल के अंदर जो इंसान होता है। हाँ हाँ, देखती हूँ। इसका टिकट लेना पड़ेगा ना, कहाँ से टिकट लूँ मैं? इसका काउंटर किधर है लिखे तब तो। पैदल चलते चलते ही तो मैं थक गई। मैं नहीं थकी,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार। वाओ दिखा रहे हो फोटो, पूछती हूँ मैं एक सेकंड। यार सारे लोग कह रहे हैं यार कि आगे चले जाइए आगे चले जाइए, इतना आगे आगे चलते चलते हम बबल स्टिक दिला दे। प्लीज 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 बेटा नो। ओके 100 आज तक। ओके ओके आई एम फाइन। वेरी गुड। मेरे पास आ गया क्या ही? यू हैव नो मन। यस बर्फ के गोले लेंगे। कितना आगे जाना पड़ेगा यार? माय गॉड बहुत आगे जाना पड़ेगा भाई। भैया ये इको पार्क था। सब लोग आगे आगे कह रहे हैं। सब लोग आगे आगे। फव्वारे शोवर। बेटा सीधा सीधा आप चल लीजिए। ओके एक तो ये फुटबॉल और बैट और बॉल नहीं ना पकड़ना, थक गए होंगे। थैंक यू। हाय गया। हाय गाइस आज हम लोग जा रहे हैं इको पार्क और पहली बार हम जा रहे हैं। मैं छोटी थी ना तो मैं भूल गई कि मैं गई थी। थोड़ा नज़दीक रखो क्योंकि ट्रैफिक की आवाज़ से आपकी आवाज़ दब जाएगी ना, तो इसीलिए आपकी आवाज़ जानी चाहिए। देखिए गाइस शोभ एरोप्लेन ऐसे भी दिखा सकती हूँ। हाँ यहाँ पे एयरपोर्ट है ना आगे, इसीलिए। ओह माय गॉड देखो देखो एयरपोर्ट है ना, इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम इसके लिए कि मैं इसके लिए मिल गया उसके पास हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। लैंडिंग के लिए नीचे आ जाता है ना तो इसीलिए नजदीक से दिखाई दे रहा है। बहुत डर लगती है फ्लाइट से, कई फ्लाइट अरे फट जाए ब्लास्ट हो जाए, ऐसे ले डॉगीज है। हाँ क्यूट डॉगीज है, है। हाँ टायर नहीं करेंगे लेकिन हमें ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए जो जो कुत्ता जिससे अटैक करे। ये रहा गेट वहाँ पे यार, जिससे पूछ रही हूँ वो पट्टी उपट्टी कर रहा है यार। थक गए, थक गई हूँ मैं चलते चलते। मैं नहीं थकी बाबा, अभी तो चलना शुरू की हूँ। अच्छा मैं कैसे थकूँगी? ये हाँ मैम उपट्टी उपट्टी क्या होता है? पट्टी उपट्टी उपट्टी क्या वहाँ पे? हम जू है क्या वहाँ पे? सची वाले जहाँ जू है क्या वहाँ पे? जब लोग इंसान की आवाज आ रही है चिकने का वहाँ है टिकट लेने का। पता है फ्रेंड्स रास्ता ना अब पूछने का ही नहीं है, किसी से पूछने का है तो मिसगाइड ही करते हैं यहाँ पे लोग। अब इधर से लोगों ने कहा कि इधर से गेट बंद है और अब आप उधर से गोलंबर से घूम के जाइए। तो अब फिर हम लोग ना फिर अब उधर पीछे मुड़ रहे हैं, उधर से गोलंबर से घूम के अब उधर से गेट फिर देखती हूँ कहाँ है। जाओ 3 या 4 गेट है इधर, बट सारे गेट ना बंद कर रखे हैं इन लोगों ने, सब ने जो भी। बेटा इस पे आइए, आप इस पे आइए, सारे गेट्स बंद हैं। अब फिर से हम लोग पीछे अब जा रहे हैं जिधर से आए हैं हम लोग, अब देखते हैं किधर से रास्ता है।
अब गोलंबर से हम लोग गोलंबर से जा रहे हैं सीधा। बहुत ट्रिकी है यार, सारे गेट्स बंद हैं। इधर से जाओ कोई किधर रास्ता बता देता है, कोई किधर रास्ता बता देता है। देखो इधर गोलंबर से मुड़ने के बाद इधर इधर गेट मिलता है हमें कि नहीं। ये तो घुमक्कर है रीता मैम, रीता मैडम। तब तो इनको तो पता नहीं चल रहा है, बट मेरी तो चलते चलते हालत ख़राब हो गई है। 10 मिनट से चल ही रही हूँ, से भी ज़्यादा ही वक्त हो गया होगा। और अब लग रहा है फाइनली हम लोग आ गए हैं, पहुंच गए हैं। टिकट काउंटर पे इतनी भीड़, माय गॉड, ये देखो इतनी भीड़ है इको पार्क के टिकट के लिए। इधर से आ जा। ये दो टिकट लिए हमने, एक बड़े का और एक बच्ची का, छोटे का। बड़ी की टिकट आई है 20 एंड बाबू की टिकट 10 रुपीज। चलो अब ये फाइनली, अब ये बबल स्टिक ले लेते ना। बेटा आप यहाँ घूमने आए हो, बबल स्टिक बबल निकालने। अल्लाह मास्क खोल दे, अल्लाह कान में दर्द हो गई। मास्क निकाल दिया आपने, दीजिए। झूला कहाँ है यार, झूला झूलूंगे। झूला कहाँ है? हाँ हाँ आपका झूला है। कहाँ है झूला आपका? उधर है। एक मिनट, अब वीडियो बनाना बंद कीजिए ना, बड़ा वेट। अच्छा वीडियो नहीं बनाऊंगी तो व्लॉग कैसे अपलोड करोगी? बहुत लंबी वीडियो बन गई। देखना इधर देखना, स्माइल। एक मिनट, सी हो गया। ये इको पार्क आ गए हम लोग। गाइस कितना टाइम लगा, आप लोग भी सोचते होंगे कि दिल्ली मुंबई तो नहीं जा रही है ना ये, इतना टाइम लग गया। देखिए टाइल्स कितना अच्छा। अरे इस मोबाइल से भी मैं परेशान हूँ, इसमें ये बोट में चले, बैक और फ्रंट एक साथ में, अगर बोट में चले। नहीं बाबा मुझे बहुत डर लगता है पानी में। नदी है, कोई समंदर जो भी है, नहीं। नदी है, झील है, समंदर नहीं है, ओशन नहीं है, फिर भी मुझे पानी से बहुत डर लगता है बाबा। आई एम सॉरी, मेरे डर नहीं लगता। देखिए सब लोग जा रहे हैं। हाँ सब लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं। हाँ तो चलिए ना। बट सॉरी सॉरी सॉरी। अरे प्लीज, ठीक है मैं जा रही हूँ। बेटा लिसन लिसन, बेटा बेटा मैं बचपन से देखो पानी में नहीं गई हूँ ना बोट पे, मुझे डर लगता है बेटा। ऐसी चीज़ की जिद नहीं करते हैं ना गाइस, क्या सोचेंगे? नहीं ऐसी जिद नहीं करते। चलिए छोरो, ये जिससे से झुलाई झुलूंगी। हाँ झूलना नहीं मिल रहा। आगे है, आगे है बेटा आगे। फेंक दे ना। अरे ये इतना पैसा है बाप के पास, फेंक दे। देखिए सब पे कितने सारे डॉलर।
ये बोटिंग बोटिंग एरिया है यहाँ पे। अरे चलिए ना बोटिंग पे प्लीज। नहीं बेटा मुझे भी मन है बट नहीं, मुझे डर लगता है क्योंकि नो वन नोस कि कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाए, बोट वोट उलट जाए तो कोई बचाने नहीं आएगा। क्योंकि मुझे पानी से बचपन से ही बहुत डर लगता है। राजधानी वाटिका पटना शनिवार रविवार एवं छुट्टी के दिनों में हम केवल 20 मिनट के का ही नौकायान मिलेगा। डल झील की तरह लग रहा है, डल झील के पास में बोट्स हैं। ये है गाइस इको पार्क, है तो बहुत खूबसूरत बट बाबू का वो एरिया किधर गया झूलों का। हाँ ये तो इतना बड़ा एरिया है कि ढूंढते ढूंढते चलते चलते ही थक गई मैं। बेटा पता है आपको वो किधर है झूलों का? आइए आइए इधर है, उधर जाना पड़ेगा। उधर जाना पड़ेगा, आजा।